देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इंडी गठबंधन बनाने के लिए चला था, लेकिन उनके अपने परिवार के अंदर ही जो है उनके अंदर एकजुटता नहीं है। वो अपने विधायकों को जो है वो ठीक तरीके से उनको समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक तरीके से उनके अंदर एकता जो है नहीं बना पा रहे हैं, नाराज़ चल रहे हैं उनके विधायक। आपने देखा होगा कि जो राज्यसभा का वहाँ पे चुनाव हुआ तो उसमें 6 विधायक जो हैं वो काफ़ी नाराज़ थे और वो लोग जो हैं वो पंचकुला चले गए थे। तो मुझे लगता है कि ऐसे उसमें जो है ये किस बिना पर ये कहते हैं कि हम जो है अब की बार जो है वो लोकसभा के अंदर ये प्रदर्शन करेंगे वो प्रदर्शन करेंगे। मुझे लगता है कि सच में ही जो ममता दीदी ने कहा था कि ये लोग जो है ना वो 40 तक भी ले आए तो गनीमत है। क्या लग रहा पूरी ओवरऑल बात की जाए देश की, तो कांग्रेस की स्थिति क्या रहने वाली है? कांग्रेस की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से चहुंमुखी विकास जो है वो भारत का हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो एक NDA 400 पार का नारा जो दिया है वो मुझे बिल्कुल जो है पूरी आशान्वित हैं हम लोग कि वो पूरा होगा और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके 370 के पार जो हैं वो सांसद बनेंगे। हरियाणा में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? हरियाणा में तो कांग्रेस की और भी ज़्यादा दुर्दशा है क्योंकि यहाँ पर जो आप देखिए कि संगठन ही नहीं है, चाहे हम जिले के लेवल पे बात करें और जो है संगठन की कोई तैयारी नहीं है। कोई आप ये देखिए कि लोकसभा चुनाव के लिए कोई नेता तैयार नहीं है इनका। आप किसी से भी जाकर पूछिए तो वो सब कहेंगे कि भाई हम तो विधानसभा लड़ना चाहते हैं, हम लोकसभा नहीं लड़ना चाहते हैं। तो हमें तो यही समझ में नहीं आ रही है कि ये कैंडिडेट्स जो उनसे हैं वो कहाँ से ये लोग जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि जो इनके जितने भी कद्दावर नेता हैं, जो इनके सीनियर लीडर्स हैं, सब के सब जो है वो मना कर रहे हैं लोकसभा का चुनाव लड़ने से। मैम अब दोबारा कुमारी शैलजा दिड़बा में भी रैली करने जा रही है, कुछ दिन पहले सिरसा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की, शैलजा ने की, क्या लगता है कि इस तरह के इनका अलग अलग इनके जो हैं वो गुट बने हुए हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पहले जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री जी जो हैं वो अपनी रैली करके गए हैं, उसके अंदर जो वो गुट है SR के गुट जिसको बोलते हैं वो नहीं पहुंचा है और अब जो है SR के गुट जो है जो करेगा अगर कोई किसी तरह का काम तो रैली या करेगा तो उसके अंदर जो है मुझे नहीं लगता कि पूर्व मुख्यमंत्री वो पहुंच पाएंगे। तो ये आपस में ही जो है इनका कहीं कोई देखिए कोई भी संगठन होता है वो तभी आगे बढ़ता है, तभी चलता है कि जब उसके सदस्य जो है वो परिवार की तरह से रहें। आप हमारे संगठन में देखिए हम लोग जो हैं, मैंने यहाँ पर पूरे सिरसा ज़िले के हमारे 5 विधानसभाएँ हैं और 5 विधानसभाओं के अंदर जो है हर विधानसभा में 4 मंडल आते हैं, 2 मंडल की सुबह 2 मंडल की शाम हम बैठक बुलाते हैं और हम अभी तक जो है रानिया के 4 मंडल की बैठक बुला चुके हैं, हम लोग कालावली के 4 मंडल की बैठक बुला चुके हैं, एलाहाबाद के 4 मंडल की बैठक बुला चुके हैं, सिरसा के 4 मंडल की बैठक बुला चुके हैं और डबवाली के 2 मंडल की बैठक बुला चुके हैं और 2 मंडल की बाकी है। और इतनी भारी संख्या के अंदर कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचते हैं, 2-2 मंडल के अंदर ही आप देखें तो कम से कम भी 150-200 के करीब हमारा कार्यकर्ता पहुँचता है। तो जब तक आप परिवार की तरह से जो है ना वो संगठन को नहीं रखेंगे तब तक बहुत मुश्किल है कामयाबी मिलना। कांग्रेस में क्या लगा है कि लीडरशिप की कमी है? लीडरशिप की भी कमी है और संगठन की कमी है, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश नहीं है, कार्यकर्ताओं की भी कमी है।